हेलो दोस्तों। सो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं प्राइम एनजी। तो प्राइम एनजी क्या है, इसे हम एंगुलर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन प्राइम एनजी, मैं पहले एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट जितना टाइम लगेगा क्रिएट होने में, तो इन दैट मेन टाइम विल डिस्कस अबाउट प्राइम एनजी, ओके। सो मैं एक बना लेता हूँ प्रोजेक्ट। मैं अभी अपना टर्मिनल में हूँ, एक फोल्डर है मेरा एंगुलर, उसके अंदर फिर मैं एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट बनाता हूँ। एनजी न्यू, लेट्स से प्राइम ट्यूटोरियल ऑन, ओके। तो ये क्या है प्राइम ट्यूटोरियल, मैंने अपना एंगुलर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जिसमें हम प्राइम एनजी सीखने वाले हैं। सो ये एक सीरीज हम बनाने वाले हैं, जो सीरीज में हम प्राइम एनजी का सारा जो कंसेप्ट है जितना भी है सारे कवर करने वाले हैं। एंड वो सारे में जैसे कि डाटा टेबल का फिल्टर में कभी कभी दिक्कत आता है, तो उसे क्या क्या कमन दिक्कत आता है। एंड जैसे और एक दिक्कत भी आता है हमेशा कि अगर आप कोई ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हो तो वो अगर आपका कोई कार्ड वगैरह है वो उसके नीचे आ जाता है। एंड उसका एक सलूशन है, सिंपल सलूशन अपेंड टू बॉडी, प्राइम एनजी का ये सब सिंपल क्विक फिक्स है। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है एंड हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो रहा है, जब तक हम क्या करते हैं प्राइम एनजी ओपन कर लेते हैं। प्राइम एनजी ओपन हो गया। ये प्राइम फेसेस जो है ये बहुत सारे के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिएक्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, एंगुलर के लिए, Vue.js के लिए, सारे के लिए प्रोवाइड करते हैं। जो कि एंगुलर के लिए प्रोवाइड करते हैं उससे बोलते हैं प्राइम एनजी, एनजी इज फॉर एंगुलर, ओके। फिर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस प्राइम एनजी, मैं आपको समझा देता हूँ आसान में। जैसे कि आप बूटस्ट्रैप यूज किए होंगे, बूटस्ट्रैप क्या देता है, हम यूटिलिटी क्लासेस कुछ देता है। वो यूटिलिटी क्लासेस को लेकर अगर हम यूज करते हैं तो वो अगर बीटीएन बीटीएन प्राइमरी यूज करते हैं तो वो एक बटन बना के दे देता है। एंड वैसे अगर आप एंगुलर के साथ मटेरियल, एंगुलर मटेरियल यूज किए होंगे तो वो जैसे कि टेबल वगैरह सब कुछ दे देता है। तो ये इट्स जस्ट सेम लाइक एंगुलर मटेरियल, ओके। फिर मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि क्यों हम मैटेरियल के बजाय इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम एनजी थोड़ा एडवांस है, इसमें कुछ चीज़ है जो कि मैटेरियल पे नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर कंपोनेंट पे हम चलते हैं, देखो एंगुलर मटेरियल पे जैसे ऑटो कंप्लीट हो गया, बैज, ये सब है, ये सारे चीज़ ऐसा इसमें प्राइम एनजी में भी है। तो प्राइम एनजी का अगर हम कंपोनेंट देखेंगे, देखो इसका कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फॉर्म आ गया, जैसे कि इसका ऑटो कंप्लीट है, ये कुछ लेट्स में यू लिख लिया तो ये युगंडा वगैरह सजेशन हमें दे दिया, तो ये हो गया ऑटो कंप्लीट। ये सब है हमारे पास, वो बना के दे दिया है। एंड अगर इसका ऐसे सारे कुछ है, इनपुट टेक्स्ट है, स्विच है, मास्क है, ये सारे हम एक एक करके बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। एंड अगर इसका अच्छा चीज़ है टेबल, टेबल के लिए इसे बहुत लोग यूज करते हैं। तो इसका टेबल कहाँ गया, लेट मी सर्च, आ गया टेबल। इसका टेबल मैं दिखा देता हूँ ये कैसे डिफरेंट है प्राइम एनजी टेबल से, ठीक है। देखो ये कितना डायनामिक टेबल है, यहाँ पे ऐसे आप फिल्टर कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर फिल्टर पे फिर कंडीशन आ जाता है, स्टार्ट्स विद कंटेंट, ये सब आप यूज कर सकते हो, आप नया रूल ऐड कर सकते हो, बहुत पावरफुल फिल्टर ये दे देता है हमें, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो, ग्लोबल सर्च है, बहुत सारे इसके इवन नेस्टेड वगैरह भी दे देता है हमें, नेस्टेड फंक्शनैलिटी जो कि है इस पे होगा यहीं पे कहीं के, वर्चुअल स्क्रॉल फ्लेक्स, इतना सारा कुछ दे देता है हमें। तो क्या इसीलिए अगर आपको मतलब कि प्राइम एनजी यूज कर रहे हैं तो ये सब आप कंपोनेंट आपका यूज कर पाएंगे। गूगल मैप भी दे देता है, फुल कैलेंडर दे देता है, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट जो भी आपको चाहिए होगा वो सब कुछ आपको प्राइम एनजी दे देता है। पर अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, मटेरियल के साथ, तो मटेरियल का टेबल ओपन करते हैं। इसमें इतना सारा फंक्शनलिटी है नहीं अभी तक, ये इतना एडवांस नहीं हुआ है जितना प्राइम एनजी अभी तक हो गया है। एंड फॉर एग्जांपल फुल कैलेंडर, जैसे कि आप इसे कैलेंडर पे जहाँ पे आपका इवेंट आप रखते हो वो सब भी प्राइम एनजी दे देता है, पर मेटेरियल अभी तक नहीं देता। आई एम नॉट सेइंग दैट मेटेरियल इज बैड, मेटेरियल इज फॉर मेटेरियल डिजाइन एंड ऑल दोज डिफरेंट स्टॉप्स, बट प्राइम एनजी हमारा काम बहुत आसान कर देता है फॉर दैट रीजन ओनली। आजकल बहुत सारे एंटरप्राइज भी प्राइम एनजी को चूज कर रहे हैं, ओके। सो ये सब था, तो हमारा बस ये वीडियो में हम सेटअप करेंगे प्राइम एनजी को। ये तो अभी तक का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ओके। सो लेट मी पॉज हियर एंड जब भी वीडियो जब भी ये क्रिएट हो जाएगा विल रिज्यूम फ्रॉम दैट पॉइंट।
ओके, ये अब क्रिएट हो गया है। ओके, तो ये जब तक क्रिएट होता है तो तब तक हम देख लेते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड में। तो ये क्या बोलता है, अगर आपका कोई एंगुलर प्रोजेक्ट है तो आप उस पर प्राइम एन जी ऐड करना चाहते हैं, पहले तो आपको ये दोनों करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल प्राइम एन जी, जिसमें प्राइम एन जी का सारा डिपेंडेंस इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको प्राइम आइकन्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम एन जी का जैसे कोई ड्रॉप डाउन हो गया, उस पर जो आरो है या टेबल पे कुछ आइटम है, फिल्टर का सिंबल है, वो सब आइकन से ही आता है। अगर आप प्राइम एन जी आइकन नहीं इंस्टॉल करते हैं तो वो सब आपका टेबल तो आएगा पर टेबल पर फिल्टर आइकन नहीं होगा, क्योंकि वो उसे नहीं मिलेगा ना, लोड नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर क्या करना पड़ेगा, ये जिसको आपको यूज करना है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड वो थीम को आपको ऐसे ऐड कर सकते हैं आपका नोड मॉड्यूल में, ठीक है। हम सारे ऐड करके देखेंगे, लेट्स सी, हमारा हो गया है तो इसे रन कर लेते हैं। तो मैं इसे एनजी सॉल्व कर लेता हूँ एंड मैं ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। हम बनाए थे प्राइम ट्यूटोरियल, ठीक है, मैं इसे वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रन हो गया, तो मैं वीएस कोड का टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल में क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे प्राइम एनजी को, ठीक है। अभी टर्मिनल ओपन हो गया है प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, प्राइम एन जी का स्टार्टअप ये बोलता है कि पहले हमें प्राइम एन पी एम इंस्टॉल प्राइम एन जी सेव करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अभी प्राइम एन जी को इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे देखो इंस्टॉल स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे मेरा रन हो रहा है, यही सेम प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ और कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तो प्राइम एन जी इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, प्राइम आइकन से इंस्टॉल कर देंगे। ओके, प्राइम एन जी इंस्टॉल हो गया, फिर मैं प्राइम आइकन को जो कॉपी कर लिया था, इंस्टॉल एन पी एम इंस्टॉल प्राइम आइकन सेव करके, तो ये भी मैं कर लेता हूँ। देखते ये रन हो ही नहीं, रन हो रहा है अभी तक। ओके, प्राइम एन जी ऐड हो गया, ये भी रन हो गया, देखते हैं अभी। अभी मैं प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, जो ये एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट था तो ये स्टार्टअप पेज इसका ओपन हो गया। तो मैं क्या क्विकली कंपोनेंट बना देता हूँ, ठीक है, एन जी जेनरेट कंपोनेंट टेबल, लेट से ना टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेट से कुछ बटन, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट वीडियो है, ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो चुका है, टेबल को हम एक सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, मैं सारे के लिए एक कंपोनेंट बना दूंगा तो वो कंपोनेंट को हम यूज करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी राउटिंग वगैरह सेटअप ना करके, जो कि थोड़ा हमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये बटन को लेकर ये सारे हटा कर बटन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी सेव कर देता हूँ, अभी ये बटन का पेज आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि प्राइम एनजी का बटन को यूज करके देखेंगे। ओके ओके, यहाँ पे और भी थोड़ा काम बाकी था हमें, कि क्या था, ये बोल रहा था कि सी एस एस डिपेंडेंसी को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो क्या करूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको पहले आपका प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए ये दोनों करना पड़ेगा, फिर आपको स्टाइल को कॉपी करना पड़ेगा, इसको लेकर आपका एंगुलर डॉट जेसन, सॉरी पैकेज जेसन पे जाना पड़ेगा, नहीं एंगुलर जेसन, सॉरी, हाँ यहाँ पे जाकर आपको देखना पड़ेगा सी एस एस कहाँ है, स्टाइल्स, यहाँ पे स्टाइल्स ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है, ये क्या करना है, इसे हमें थोड़ा फॉर्मेट कर देना है, ठीक है, हो गया। ओके, फॉर्मेट हो गया, सेव कर देते हैं। तो इस पे हम चेंज किए हैं ना एंगुलर जेसन में, तो थोड़ा रिस्टार्ट हम कर लेंगे अपना एंगुलर को। मैं वो एनजी सर्व जो चल रहा था उसे बंद कर दिया, फिर से एनजी सर्व बना कर लिया, ठीक है। तो इन द मीन टाइम इतने में हमारा काम हो जाएगा, ये क्या क्या थीम में दिखा रहा है। तो मैं बटन को सर्च कर लेता हूँ, हम एक प्राइम एनजी का बटन यूज करके देखेंगे, एक सिंपल बटन, ये बटन स्क्रॉल
इसका आइकन बटन है, स्टेबिलिटी रेज्ड बटन है, थोड़ा ऐसे एलिवेटेड हो गया रहा है जैसे राउंडेड बटन है, बहुत सारे टाइप का बटन है, ठीक है, बैजे से। तो हम बटन को, तो किसी भी सेक्शन पे अगर जाएंगे, जैसे कि हम अभी बटन सेक्शन पे हैं, वहाँ से थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे आपको यूज करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्या बोलता है कि पहले आपको इम्पोर्ट करना है बटन मॉड्यूल को, फिर क्या करना है ये देखेंगे हम, ठीक है। पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं बटन मॉड्यूल को, तो मैं क्या करूँगा ये लाइन को कॉपी कर लूँगा, लेकर हमारा आप मॉड्यूल पे इम्पोर्ट कर दूंगा। इम्पोर्ट कहाँ होता है? आप मॉड्यूल में। तो आप मॉड्यूल में जाकर इम्पोर्ट स्टेटमेंट डाल दिया, फिर इसे कॉपी करके कहाँ डालना है हमारा मॉड्यूल, कहाँ है इम्पोर्ट्स में मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल को हम डालते हैं, तो ये बटन मॉड्यूल को लेकर हम इम्पोर्ट में डाल देंगे, डाल दिया, सेव कर देंगे। अभी देखते हैं जो इंजन सब हमने रिस्टार्ट किए थे वो हो गया या नहीं, ये चल रहा है। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम बटन का जो डिपेंडेंसी है वो आप मॉड्यूल पे ऐड कर लिया, ठीक है। अभी ये बटन को हम हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंड अभी आते हैं हम कहाँ यूज करेंगे ना, हमें कंपोनेंट बनाया है बटन कंपोनेंट, यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये बोलता है कि एक बटन है, इसे पी बटन दे देंगे, ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे काइंड ऑफ टाइप का बटन दिया हुआ है, जैसे भी चाहिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक स्टैक ब्रिज देख लेते हैं, एक अच्छा कौन सा बटन लेंगे। ओके, ये सिंपल बेसिक पहले ले लेता है, देखते हैं कैसे आता है, फिर हम कुछ और बटन भी देख लेंगे। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पे हम थे, ये कॉपी कर लिए हम, तो हम यह लाकर पेस्ट कर देंगे, ये बटन पी बटन ऐसे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अभी रन हो गया होगा, ऑलमोस्ट देयर, हम देखते हैं अभी पी बटन कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाएंगे, देखो ये प्राइम एनजी का बटन आ गया, मैं क्या लिखा था इसमें, बटन पी बटन टाइप बटन लेबल क्लिक, बस इतना, कोई सीएसएस में कुछ नहीं लिखा हुआ, बूटस्ट्रैप भी नहीं है प्रोजेक्ट में, ये आ गया क्लिक, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कोई भी टाइप का बटन चाहिए तो ओके, यूज करते हैं कुछ रेज बटन हो गया, राउंडेड, बैजेस, तो बैजेस कहीं पे है, या बैजेस, अगर बैजेस बटन हमें यूज करना है, मैं बस ये लाइन को कॉपी कर लूँगा, ये दोनों को ले लेते हैं, दोनों दो डिफरेंट बटन है, कैसे दिखते हैं, ये बटन के नीचे में दोनों का डाल दिया, ठीक है। देखते हैं ये कैसे दिखते हैं, अभी देखो आ गया ये ईमेल्स यहाँ पे आ गया, इस पे ईमेल्स था ना, इसे आ गया। अगर ये दोनों को हम कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं ना, बी आर स्टेटमेंट अंडर, तो ये पास पास आ रहे हैं, तो अगर मैं एक रखूंगा ऐसे आ गया, तो ये हो गया बटन। ऐसे हम सारे सारे को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो इसका ऑर्गेनिग्राम एक है, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, वो भी बहुत सही है इसमें। एंड टेबल तो लाइक टेबल विल टेक 1 और 2 वीडियोज, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, सो या प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ और तरीके से समझाना मुझे चाहिए तो सही रहेगा, मुझे कमेंट पर बताइए, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम। एंड मैं सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें, तो अगर आपका कुछ डाउट है कमेंट करिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द UI गाय, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस लॉन्ग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।